हाय गाइस, कैट का रॉ स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑफिशियल नोटिस इज आउट फॉर दैट एंड ट्रस्ट में इस बार भी वही प्रॉब्लम है कि टॉपर के ऊपर बेस्ड है। सो कैट का मेन प्रॉब्लम इज कोचिंग क्लासेस वाले भी कैट देते हैं, मैं भी हर साल कैट देता हूँ, बट आई अप्लाई जी स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड द पेपर बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू टीच आई शुड नो एग्जाम में कैसा आता है। बट लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस गिव द एग्जाम टू टॉप द एग्जाम और उसकी वजह से आपकी परसेंटाइल पे असर पड़ता है। आई नो अ फ्यू कोचिंग वाले, आई वेंट एंड मेट वन सर, तो सर के अपने घर पे अपने ऑफिस में अपनी फोटो लगा रखी है, ये मैंने कैट 2012 में टॉप किया था, 13 में टॉप किया था, 14 में टॉप किया था। सर आपके बच्चे स्टूडेंट्स? अरे वो छोड़ो, मेरे टॉप, मैं हर साल का टॉपर हूँ। अरे अंकल क्या फ़ायदा इसे टॉप करने का, बच्चों को टॉप करने दो, लेट देम ऑल्सो विन समटाइम्स। एनीवे, तो रॉ स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स लुक एट दैट डेटा बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नंबर्स। उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा एक फॉर्मूला दे रखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। तो इसमें यू आर गोइंग टू लुक एट द मेन प्रॉब्लम इज M1 इज द मीन रॉ स्कोर ऑफ द टॉप 1% ऑफ द कैंडिडेट इन द मॉर्निंग स्लॉट, सेम फॉर आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। मतलब अगर 100,000 बच्चा मॉर्निंग स्लॉट में एग्जाम दे रहा है, टोटल 300,000 ने एग्जाम दिया है, तो 100,000 का 1% इज 1000, ठीक है, 100,000 का 1% 1000, उसका 0.1 मतलब टॉप 100 पीपल का स्कोर का रॉ देख के आपका स्कोर कैलकुलेट होगा। दिस इज अ मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम। या फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन लेके कैलकुलेट होता है, दैट्स, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली योर रॉ स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैट टॉपर्स, टॉप 100 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्लॉट। देन जो मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी कोचिंग क्लासेस के बच्चे एंड IITians, most of them are going to be IITians, जिनको most probably CAT join करना भी नहीं है, वो time pass के लिए दे रहे थे, उनको already 30-40 की job लग चुकी है। Then your percentile is calculated based on the number of people minus your rank divided by number of people. Okay, मेरे ख्याल से ये formula की जरूरत है ही नहीं, you directly based on your score they can give you your percentile. बिकॉज जहाँ पे ये टॉपर से कंपेरिजन करके जब ये स्कोर कैलकुलेट करता है, देन यू आर एलोकेटेड अ रैंक, दैट्स वाई द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो इस बार भी वही प्रॉब्लम आने वाली है, सो दैट्स वाई द रॉ स्कोर इज गोइंग टू बी क्वाइट लेस फॉर एवरी वन, क्योंकि अगर तुम्हें टॉपर से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली मेरा स्कोर तो कम ही आने वाला है ना, फॉर एग्जाम्पल। या तो आपका जो भी कैट में स्कोर आएगा उसको टॉपर से कंपेयर करके आपका एक रॉ स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, फाइन। रॉ स्कोर के बाद उसमें से फिर आपको एक रैंक दिया जाएगा एंड वो रैंक देने के बाद आपकी परसेंटाइल विल बी कैलकुलेटेड, फाइन। सो दिस इज हाउ कैट की परसेंटाइल इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर कैट 2024। हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे ध्यान दो, तुम अपने स्कोर की बात करो। परसेंटाइल यार इज डिपेंड, माई परसेंटाइल इज डिपेंडेंट ऑन वॉट अदर पीपल आर परफॉर्मिंग। अभी कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे कैसे पता। वेन यू गिविंग मॉक्स एज वेल, डोंट लुक एट द परसेंटाइल, लुक एट द स्कोर्स, क्योंकि हमारा स्कोर इज गोइंग टू बी द मेन फैक्टर ऑन विच माई परसेंटाइल इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। सो वी गो टू IIMKing.com/raw, आई गिवन द कंप्लीट डेटा, यू कैन चेक आउट दिस डेटा एंड यू कैन सी हाउ दिस कैलकुलेशन आर डन। तो परसेंटाइल में अगर 99.995 हो गया तो उसको राउंड ऑफ करके 100 कर दिया जाएगा, तो एवरी परसेंटाइल इज गोइंग टू बी राउंडेड ऑफ। किसी का 99.855 आ गया तो उसको 86 कर देंगे परसेंटाइल, ठीक है जी। सो ये एक बार मेथडोलॉजी आप एक बार देख लो, सो दैट दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द कैट रॉ स्कोर्स आर कैलकुलेटेड। ऑल द बेस्ट।